ट्यूबल ऑपरेटर परेशान करते हैं, उनकी वजह से समस्या है। जैसे कि न्यू प्रीतम नगर की टंकी से पानी नहीं खोला जाता है करबला के लिए। सुहाग नगर टंकी से पानी की सप्लाई है यहाँ पर, वो भी नहीं खोली जाती है ठीक प्रकार से। गर्मी का पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस भीषण गर्मी के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कभी सोचा है कि इस भीषण गर्मी में आपके घर अगर पानी न हो तो क्या होगा? जनपद फिरोजाबाद में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पानी की काफी समस्या रहती है। लेकिन अगर हम बात करें सुहाग नगर सेक्टर 1 के ग्रीन वर्ल्ड स्कूल वाली गली की, तो यहाँ तो पानी की समस्या का हल ही नहीं हो पाता। गर्मियों की तो छोड़िए, सर्दियों में भी यहाँ पानी नहीं मिलता है। इसको लेकर यहाँ के निवासी कई बार नगर निगम में शिकायत करने भी गए, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ दिन पहले मेयर नूतन राठौर द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया था, उसके बाद कुछ दिन तो यहाँ पानी आया, लेकिन उसके बाद समस्या जस की तस हो गई और वहाँ के वासिंदे फिर से पानी के लिए दर दर भटकने लगे। जब लोगों ने बार बार शिकायत की तो आज फिर मेयर नूतन राठौर ने सुहाग नगर सेक्टर 1 और हिमायूपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेयर ने वहां के निवासियों से बात की और उनकी समस्याओं को समझा और उनसे वादा किया कि उनकी समस्या का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा और इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से निदान मिलेगा। इसके लिए उन्होंने ग्रीन वर्ल्ड स्कूल वाली गली में एक हफ्ते के अंदर समरसेबल लगवाने का भी वादा किया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि ये वादे कब तक पूरे होंगे और वहां के वासिंदों को इस पानी की समस्या से कब तक और जूझना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद। बाकी जो सप्लाई से आएगा वो आता है, सप्लाई से तो आता ही नहीं है। अभी गर्मी ज्यादा है, हो सकता है कनेक्शन आगे ज्यादा खुले हो। एक बार आप अभियान चलाकर जो पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो पानी फैला रहे हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। क्योंकि जहाँ लोग पानी के कनेक्शन खुले छोड़ देते हैं तो पीछे वाले घरों में जो एंड तक घर होते हैं उनको पानी नहीं मिल पाता। देखिए, आज सुहाग नगर में जिस तरह से मुझे शिकायतें पिछले 15-20 दिन से यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी भी है, कुछ समस्याएं वास्तविकता में होती भी हैं, तो यहाँ की जनता के बार बार जो फ़ोन आ रहे थे यहाँ के माननीय पार्षद सुनील मिश्रा जी, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि यहाँ पर पानी की विकराल समस्या है, जिसको देखते हुए आज जलकल के संबंधित अधिकारियों के साथ मैंने विजिट किया है, लोगों से बात करी है, घर घर जाकर बात की है, कहीं पानी कम आ रहा है, कहीं बिल्कुल नहीं आ रहा है। और जहाँ तक लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय से पानी आता है हिमायूपुर से, जहाँ पर भल्ले और ऋषि नाम के जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं वो बदमाशी देते हैं, वो इन लोगों के ऊपर तमाम तरह के दबाव बनाते हैं कि आप सुपरवाइजर से बात कराइए तब हम पानी खोलेंगे। तो इस तरह की तमाम समस्याएं जो ट्यूबवेल ऑपरेटर के माध्यम से उत्पन्न हो रही है, जैसे कि न्यू प्रीतम नगर की टंकी से पानी नहीं खोला जाता है करबला के लिए, सुहाग नगर टंकी से पानी की सप्लाई है यहाँ पर, वो भी नहीं खोली जाती है ठीक प्रकार से। तो इन सभी तमाम बातों को देखते हुए आज मैं बात किया है संबंधित अधिकारियों से कि इन ट्यूबवेल ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई करें या इनको इंटरचेंज करें, ताकि यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे। और जो यहाँ पर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल वाली गली में समस्या है, वहाँ पर हमने एक समर स्थापित कराने के निर्देश दे दिए, क्योंकि भीषण गर्मी है और थोड़ी सी समस्याएं भी हैं, तो उसको हम जल्द ठीक करा लेंगे, पानी की सप्लाई सुचारू रूप से जल्दी शुरू करा देंगे। हम जिस गली की आप बात कर रहे हैं, उस गली की समस्या पिछले 4-5 साल से है और वो अभी तक उसका निराकरण नहीं हो पाया। आपने भी कई बार विजिट किया भी है, मैं भी आई थी और पानी की समस्या मैंने खत्म भी कराई थी, पानी प्रॉपर आने भी लगा था। ये मई जून का समय है, पीक टाइम होता है गर्मी का। मैंने आपको बताया जिस तरह से ट्यूबवेल ऑपरेटर परेशान करते हैं उनकी वजह से समस्या है, कुछ जेन्युइन समस्या भी है जिस पर हम काम करेंगे। बहुत जल्दी यहाँ पर जो पानी की समस्याएं हैं उसका निराकरण। लगभग कितने दिन के अंदर समय लग जाएगा? एक वीक के अंदर हम यहाँ पर काम शुरू करा देंगे, लग जाएगा अपना समय।